मैनेजर के निधन पर मिक्का ने पोस्ट कर जताया शोक, बस यादें छोड़ गई। बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर मिक्का सिंह की मैनेजर सौम्या खान का निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सौम्या ने बहुत ज़्यादा नींद की गोलियां लेकर खुद की जान ले ली है। मिक्का सिंह ने इस बारे में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करके शोक व्यक्त किया है। मुंबई मिरर से बातचीत में एक इंस्पेक्टर ने बताया कि सौम्या डिप्रेशन से जूझ रही थी और ड्रग ओवरडोज से उनका निधन हुआ है। मिक्का सिंह ने सौम्या की एक तस्वीर शेयर करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारी प्यारी सौम्या खान अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने बहुत कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पीटीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक सौम्या का शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार को सौंप दिया गया है। उनका अंतिम संस्कार पंजाब में किया जाएगा। वारसोवा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर राघवेंद्र ठाकुर ने बताया, ये घटना 2 फरवरी को हुई। हमें इस मामले में कोई घपला नजर नहीं आ रहा और हमने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज कर लिया है। वर्सोवा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पी भोसले ने कहा, वह डिप्रेशन में थी और ड्रग ओवरडोज से उनकी जान गई। खबर ये भी है कि पार्टी के बाद वह अगले दिन घर नहीं गई थी, तो जब कुछ वर्कर्स जांच के ऊपर गए तो उन्हें सौम्या की बॉडी मिली। भोसले ने बताया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।